कान्हा की मूर्ति है और माता रानी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। यहाँ पर एक भव्य त्रिशूल भी है और सामने है शनिदेव जी का। पर यह एक विचित्र वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा जो कि है चीड़ का, और इसकी शाखाएं बहुत ही अजीब तरीके से फैली हुई है। तो मन्नत मांगी आपने यहाँ पर? अच्छा। तो अभी जलाभिषेक के लिए हम जल लेने जाएंगे अलकनंदा नदी के तीर पर। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में केदारखंड में इसकी महिमा है कि केदारखंड में हर शिव, मतलब हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जितने भी शिवलिंग हैं या देवी की मूर्ति हैं। हर हर महादेव, जय तुलसी महादेव। हम यहाँ पर हैं अभी उत्तराखंड में चमोली जिले के अंदर नंदप्रयाग के पास सोनला एक कस्बा पड़ता है। यहाँ पर है भोले बाबा का मंदिर तुलसी महादेव। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और पहलागु। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं अपने कामों में। और आज आए हम तुलसी महादेव घूमने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा यहाँ दिख रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप उतरा गाँव है जो। तो अब तक तो यहाँ पर मैं पहले कभी गया नहीं, बस आज पहली बार है। हर महादेव, हर महादेव। तो अभी हम लोग मंदिर से कुछ दूर हैं। यहाँ पर बजरंग बली का मंदिर है और चारों यहाँ पर बट वृक्ष, और सामने ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिंगाल है, बांस कहें, ये पीछे हमारे, और पीछे बहुत खूबसूरत नजारा, साथ में कराची जी। भोलेनाथ के मंदिर के मार्ग पर यह एक विचित्र वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा जो कि है चीड़ का, और इसकी शाखाएं बहुत ही अजीब तरीके से फैली हुई हैं और जड़ भी ऐसी है। और आ चुके हैं कराची जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सामने यहाँ पर आपको राम बांस दिखाई देगा, जो ये रास्ता है मंदिर तक का, इस पर दोनों ओर आपको राम बांस दिखाई देगा। और सामने अलकनंदा नदी का विहंगम दृश्य, चारों ओर का रमणीक वातावरण और एक ओवरव्यू जो देखें, ओवरऑल जो व्यू है मंदिर का। तो सामने ये मुख्य मंदिर है, तो मंदिर के बगल पर है ये दूसरा भवन, और इसी के साथ साथ सामने है रसोई घर, और यहाँ पर जो भी साधु महात्मा आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी है। और यह मंदिर रात्रि में सौर ऊर्जा के द्वारा चमचमाता रहता है। और जो मुख्य शिवलिंग है उसी के बगल पर जो मंदिर समूह है, यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर कान्हा की मूर्ति है और माता रानी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। यहाँ पर एक भव्य त्रिशूल भी है और सामने है शनिदेव जी का मंदिर। तो अब आगे हैं रसोई में। तो भाई, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद यहाँ पर बन रहा है। तो मन्नत मांगी आपने यहाँ पर? अच्छा। मिले ली बुआरी, बढ़िया मिले ली, महादेव कृपा बोली। तो ये बनो कलियो। तो अभी जलाभिषेक के लिए हम जल लेने जाएंगे अलकनंदा नदी के तीर पर। तो चलिए कराची जी। और ये हम आ चुके हैं अभी वापस। हर हर महादेव, 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 मुझे लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कई अनंत काल से है ये, मतलब हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन स्कंद पुराण में केदारखंड में इसकी महिमा है। केदारखंड में हर शिव, मतलब हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जितने भी शिवलिंग हैं या देवी की मूर्ति हैं, है ना, या अनेक विष्णु प्रतिमाएं हैं, उनके बारे में उसमें विद्यमान है। तो ये तुलसी महादेव भी भगवान शंकर का स्वयंभू है, स्वयंभू स्थान है, अपने आप भगवान की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि अनादिकाल से ही हम मान सकते हैं कि यहाँ भगवान शंकर का स्थान है। इसकी विशेषता इसलिए ज़्यादा बड़ी कि भगवती तुलसी जो यहाँ से बद्री विशाल की ओर गई, और यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन तक माना जाता है कि तपस्या की, और इन भगवान शंकर की जो है अर्चन किया, उन्होंने पूजन इत्यादि किया, यहाँ पे तपस्या की, इसलिए उसका नाम तुलसी महादेव के नाम से विद्यमान। तो आज हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी जो कि यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो महाराज जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? महाराज जी का नाम हुआ गोपाल दास। और महाराज जी भक्तों की कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? वैसे तो सावन में सोमवार को या शिवरात्रि को भीड़ है। अच्छा, तो जब भोले ने जिसको बुलाता है यही कोई जाता है। भाई भोले बाबा जब जिसको आदेश करेंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। तुलसी महादेव मंदिर में बैठकर कुछ देर ध्यान साधना करते हुए असीम शांति और सुख का अनुभव हुआ। भगवान आशुतोष शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा पूरे विश्व पर सारे भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों ये थी तुलसी महादेव मंदिर की जानकारी। सभी शिव भक्तों तक इस पौराणिक मंदिर के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें और अपना सहयोग दें चैनल को सब्सक्राइब करके।